अब हमारा घर छोड़कर क्यों चली आई? हमें आपके बिना उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत याद आती है आपकी। और आजी, जब हम आपके बारे में कुछ आई से कहते हैं तो वो है ना हमें डांट देती है और कहती है कि आप इस घर में कभी नहीं आएंगे। आजी, क्या ये सच है? मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती, लेकिन तुम्हारे आई बाबा नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। आजी, अगर आप आई बाबा के साथ उस घर में नहीं रहेंगे तो हम भी वहां नहीं रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारे आई बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम दोनों को तो उनके साथ ही रहना चाहिए, है ना? ठीक है, he's not a good man. आपने देखा कि उसने किस तरह मानव को टारगेट बनाया। हो सकता है कि वो आगे चलकर कहीं हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। You mean, क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ तो चांस है कि कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का तुम्हारी लाइफ में आ जाए और मैं ये बिलीव कर लूँ कि तुम्हारा उसके साथ। मेरा मतलब वो नहीं था डीके। आई मीन, आपने देखा कि मानव और अर्चना को एक दूसरे से दूर करने में धर्मेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए मैं कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक हमारा प्यार बस बढ़ता ही रहा है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच किसी भी वजह से गलतफहमी हो। आशना, this was sweet. Don't worry, हमारे बीच कभी ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। I promise. तो मुझे ये बताओ, मेरी दोनों बच्चियां कहां पर हैं? वो मानव दोनों को अपने साथ ले गया अपने घर आई से मिलाने के लिए। क्या? मानव मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ उसके घर पर लेकर चला गया? तो तुमने क्या किया? तुम वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे थे विनोद? मंजू, मैं क्या कहता, दोनों बच्चे हैं, आई से मिलने का मन किया, चले गए, अब इसमें बुराई क्या है? अच्छा, मतलब मानो मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर पर लेकर गया आई को मिलवाने के लिए, तो तुमको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है? तुम्हारा तो कमाल है विनोद। मैं उन लोगों का साया अपनी दोनों बच्चियों पर पड़ने भी नहीं देना चाहती हूँ और तुमको तुमको इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती कि वो उन्हें अपने घर पर लेकर चला गया? इस बार मैं मानो को नहीं छोड़ूंगी विनोद। उसने ना उसने बहुत गलत किया इस बार। रुको तुम दोनों। अरे अरे अरे, अंदर जाओ। मानव, तुम्हारे तो दो बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे किसकी हैं? अरे नहीं सर, ये हमारे बच्चे नहीं, विनोद के, आई मीन अर्चना के भाई के बच्चे। आई सी, ये वही विनोद जो जिसने आई को यानी सुलोचना जी को घर से निकाल दिया था। तुमने फिर भी इनको यहाँ, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। देखो, मुझे रिश्तों की समझ वैसे भी कम है। Anyway, तुम हमें अंदर भी बुलाओगे या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? सॉरी सर, आइए ना प्लीज, आइए। श्योर। ठीक है, नो ऑफिस टॉक। यस माय लॉर्ड। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी सास है। और देखना, वो तुम्हें और मानव को कभी अलग नहीं होने दे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब जो कुछ भी तुम्हारे और मानव के बीच हुआ, आई मीन जिस तरह से आई ने मानव को रिया के चंगुल से बचाया, उसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू। वरना तो मानव, आई मीन उसका करियर, उसका घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता और तुम दोनों में भी हमेशा के लिए दरार पड़ जाती। आई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो शायद मेरे लिए और कोई नहीं करता। आज की तारीख में आई मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती, सबसे ज़्यादा। मुझे तो लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी मुझे ऐसी सास मिली।